सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाया गया। राजधानी भोपाल के शासकीय राजीव गांधी स्कूल में संविधान का वाचन हुआ। इस दौरान मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित आदेश को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक या शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी हर शनिवार को प्रार्थना सभा के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इस प्रकार उच्च और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विद्यार्थी बाल सभा के दौरान प्राचार्यों के निर्देशन में हर शनिवार को संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। तो सरकारी स्कूलों में आज से सरकारी पाठ पढ़ाया जाएगा। हर शनिवार को ये होगा और आज से इसकी शुरुआत हुई है। बता दें कि आज राजधानी भोपाल में शासकीय राजीव गांधी हाई स्कूल में इसकी शुरुआत हुई और इस दौरान बता दें कि मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। तो इन बच्चों के मन मस्तिष्क में बचपन से ये रहे, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छेड़छाड़ न कर पाए, तो इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के पहल पर स्कूलों में ये संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई, जो इनके मस्तिष्क में बैठ जाए, भविष्य में भी कुछ छेड़छाड़ न कर पाए। हर शनिवार को सर होगी स्कूलों में ये होगी, जिससे ये बार बार जब जानेंगे तो ये जानेंगे कि संविधान क्या है, और संविधान बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक आदमी को पूरी संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये शासन ने जो कार्य किया है बहुत अच्छा है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन उन्हें संविधान की उद्देशिका के बारे में, उद्देशिका बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उद्देशिका पुस्तक में दी हुई है लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि उसकी उद्देशिका भी है। बच्चों को फायदा, हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं, जो नियम है, कानून है, कम से कम उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो फायदा तो है ही कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें कौन से कर्तव्य मिले हैं, हमें क्या अधिकार दिए गए हैं, हमें तो इसके बारे में जानकारी तो होने चाहिए, जबी तो वो आगे कुछ कार्य करेंगे। किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे और जाति धर्म के बच्चे भी हमारे साथ पढ़ने चाहिए और सब एक समान होने चाहिए। जैसे हम शिक्षित हैं वैसे सब, मतलब सब लोग शिक्षित होने चाहिए, और जैसे मतलब अब हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे हमारे साथ साथ, तो भारत देश पूरा सबसे उन्नति पर आ जाएगा। सारे देशों के मतलब संपूर्ण देश में भी वो भी आ जाएगा, भारत भी एक संपूर्ण देश के समान ही। संविधान की पढ़ाई से आएगा कि कोर्स की पढ़ाई से आएगा? मतलब हर चीज़ से आएगा। संविधान भी एक मतलब किसी में भेदभाव नहीं होगा तो सारे बच्चे पढ़ेंगे ना, तो कोई अशिक्षित ही नहीं बचेगा, फिर तभी तो हमारा देश, फिर भारत देश पूरा वह आगे होगा। सर कि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बोलते कि यार लड़कों को पढ़ाना चाहिए लड़कियों को नहीं, पर हमारा संविधान ये नहीं कहता है, सब एक बराबर है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ना चाहिए, और किसी में भी या फिर हिंदू मुस्लिम किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक ही जैसे समाज के बना हुए भेदभाव है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इनसे बोलना नहीं है, ऐसा है वैसा है, जाति माति ये सब, पर ये सब कुछ नहीं है, सब एक ही है, सब भगवान भगवान सबका एक ही नाम है, सबके अलग अलग नाम दे दिए, भगवान एक ही है पर सब एक ही है, सबको एक साथ रहना चाहिए।